15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसके मुकाबले हमने 21 करोड़ रुपए मंदिर रख रखाव के लिए खर्च किया तीन साल। ये वो 5 साल का है या 3 साल का है। इसी तरीके से कुल एन्युटी जो है 12 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको हमने बढ़ा करके 5 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए। पहली दफे इतने राजस्थान के इतिहास में पहली दफे निजी कर्मचारियों को जो वेतनमान नेग्लिजिबल था, 172 कर्मचारियों को हमने 6th पेड कमीशन देकर उनको रेगुलाइज किया। इसी तरीके से जो भोग राशि थी जितने भी मंदिरों की थी, उस भोग राशि को हमने डेढ़ा कर दिया। अगर और शायद राजस्थान में पैर बनने के बाद पहली दफे एक बार, कोई ताज्जुब नहीं है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करके चले तो राजस्थान में पहली दफे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे 20,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। अगर आप मंदिरों के रखरखाव की बात करके चले तो, और अभी हमने अभी फैसला भी किया, कोशिश कर रहे हैं, मैंने अभी कमिश्नर महोदय को कहा है कि हमारे 11 एसी जो ऑफिस है, 11 जगह, उस जगह भी इनसे कहा कि प्रस्ताव बना करके भेजे। तो मैं समझता हूँ कि अगर उम्मीद करता हूँ कि 6 ऑफिस इस साल में और 5 ऑफिस अगले साल में हम इसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक और मंदिरों का रखरखाव का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जो पैसा आपने खर्च किया है उससे कम तो होने वाला नहीं है। आगे हो तो उम्मीद करते हैं आगे भी ठीक होगा, लेकिन जो पैसा खर्च हुआ है उससे मंदिरों के रखरखाव का इंतजाम वो ठीक हुआ है, लोगों में अट्रैक्शन बढ़ा है। हम जो सबसे बड़ी हमारी चिंता की बात है वो ये है कि जमीनों के जो मसले हमारे अटके हुए हैं वो कोर्ट केसेज की वजह से अटके हुए हैं। अगर वो कोर्ट केसेज हमारे सलट जाए तो हम निश्चित रूप से मंदिरों के लिए जो हमारी संपत्ति है उसके में कुछ रखरखाव के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहते हैं। मैं कुछ मंदिरों के ट्रस्ट आपके माध्यम से ट्रस्टी जो बड़े मंदिर हैं जिसमें जयपुर राजस्थान के कैला देवी है, गोगा मेरी है, नासद द्वारा है, बहुत से ऐसे जैसे वो सालासर हनुमान जी का है, बैंदीपुर बालाजी का है, खाटू श्याम जी का है, ऐसे बहुत से मंदिर सब जगह अलग अलग जगह के अलग अलग के, उनसे जरूर मैं अपील करना चाहता हूँ। सर आप जो ट्रस्ट गिना रहे हैं ज्यादातर ट्रस्टों का हिसाब किताब का कोई, मैं वो बात बाद में करूँगा आपसे। मैं इन मंदिरों के ट्रस्टियों से जरूर अपील करना चाहता हूँ कि वो जो पैसा है पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की यूटिलिटी, जहाँ भगवान के मंदिर के रखरखाव में खर्च होता है वहीं पब्लिक यूटिलिटी का भी काम करें। जैसे गौशालाएं हैं, गौशालाओं का निर्माण करें, उसमें पीर डॉक्टर का इंतजाम करें, चारे का इंतजाम करें, धर्मशाला जैसे अभी वह हॉस्पिटल्स खोलें, उसमें ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल्स को चलाएं। कुछ जैसे संस्कृत की में जैसे हम चलाना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स देना चाहते हैं, उसमें सब्सिडाइज करें। तो ऐसे होने से निश्चित रूप से लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने जो बात कही अभी ट्रस्ट के ट्रस्टों में हमारे को बाकायदा उसका हिसाब लिया जाता है, और जो हिसाब टाइम पे नहीं देते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई पर्टिकुलर किसी ट्रस्ट की शिकायत आएगी तो हम उसमें
निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, उसमें किसी तरह की सर विभाग के पास ढेरों शिकायतें पड़ी ट्रस्टों की, ट्रस्टों की ढेरों शिकायतें पड़ी है, आपकी बात सही है, हमारे पास में कुछ स्टाफ की कमी है, प्रदेश में 6000 ट्रस्ट है और निरीक्षक भी मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, निश्चित रूप से स्टाफ की कमी है। 34 आज हमने RPS को लिख दिया है 34 निरीक्षकों के लिए, 14 निरीक्षक और दो ACs के लिए लिख दिया है, एक आध दो आ भी गए हमारे पास, 6 आ गए हैं। मैं समझता हूँ ये सब आने के बाद में जो हमारे पास में पेंडिंग शिकायतें हैं उस काम को पूरा कर दिया। सर, मंदिरों में पुजारी नहीं है, पहले एक बार सरकार से बात चली थी जब 5-7 साल के लिए, मैंने भाषण में भी आपको कहा था कि हम सेवा नियम बना रहे हैं, सेवा नियमों के स्वीकृति होते ही हम मंदिर के पुजारियों की भर्ती भी करेंगे। सर, जो जमीन है आपकी खुली पड़ी है, जब तक सेवा नियम हमारे कंप्लीट क्लियर नहीं हो जाते हम उसका, जैसे वो एक काम सेवा नियमों का ऐसा है कि इसमें टाइम लगता है, इट इज नॉट वन डे जॉब, उसमें जैसे वो होंगे हम उसमें मंदिरों की भर्ती हम पूजा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो मंदिर जैसे पड़े हुए हैं उनके लिए अस्थायी रूप से क्या वो वैकल्पिक व्यवस्था जो मंदिर का पुजारी है वो कर रहा है? सर, ये मंदिरों की जमीनों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उस पर स्थायी समाधान कुछ किया जाए? मंदिरों के अतिक्रमण अगर जो फिर केसेस में सरकार जो कोई हाईकोर्ट का स्टे नहीं है और कोई मंदिरों के अतिक्रमण का हमारे पास में सूचना आई है तो हमने कलेक्टर को और वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, इससे कोई स्थायी समाधान थोड़ी है क्या सर? कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखने, चिट्ठी नहीं उनको खाली करवा रहे हैं, हो गया सर। UIT ने या कॉलोनी काट रखी उदयपुर में, सेक्टर 9 एरिया सर, वो UIT ने पूरी कॉलोनी काट दी। चीजें ये आज की कटी हुई नहीं है, ये पुराने तो बची हुई जमीन है उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग, चीजों को नेगेटिव करके सोचते हो। सर हमने पॉजिटिव से, मैं पॉजिटिव ही जब कह रहा हूँ कि जब तक किसी भी केसेस पे हाई कोर्ट के कोर्ट के माननीय कोर्टों के स्टेज है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से जब फैसले हो जाएंगे अब उस काम को निपटा देंगे। सर मगर ऐसा भी नहीं है कि कोर्टों के स्टेज तो भी कब्जे हो रहे हैं और वो ऐसा अगर हम नए कब्जे सरकारी अतिक्रमण है सर, मैं निवेदन वही कर रहा हूँ आपको कि हमारे सरकार हमारे नोटिस में कोई ऐसा आता, मैंने खाली करवाया जी सर, मैंने लोगों को कलेक्टर SP को चिट्ठियां लिख करके और उसके ऊपर दबाव देकर ऐसे लोगों की जमीनें मैंने खाली कराई, तो बोरागण जी के ट्रस्ट की सारी जमीनें पे मेरे पास में अगर कोई नोटिस में ऐसा आएगा तो आई विल टेक। सर उदयपुर से कमिश्नर ऑफिस से आपको प्रस्ताव भेजा कि जमीनों पे बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया जाएगा, क्या ऐसा पूरा स्टेट में करने की कोई योजना बना रहे हैं क्या? ये लंबा विषय है, इतनी जमीनें हैं, ऐसा नहीं करेंगे जो जमीनें हैं वो भी जाएगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये लंबा विषय है, ये इतना आसान विषय नहीं है, किसी जमीन की बाउंड्री वॉल कराने के लिए इतना पैसा चाहिए कि उसका भी तो कोई बजट बनेगा, इतना पैसा थोड़ी हमारे पास में कि सारी जमीन के बाउंड्री वॉल बना दें, और एक बार बाउंड्री वॉल बनने के बाद जब तक उसका डिमार्केशन नहीं हो जाए जब तक हम बाउंड्री वॉल बना भी नहीं सकते। हमारे पास में कुल पैसा निधि में 40-45 करोड़ में तो 2-4 जमीनों की भी बाउंड्री वॉल नहीं बन सकती, हर चीज में हल्के लिए पैसा भी चाहिए, साधन भी चाहिए और ये सब चीज़ें एक दिन में होने वाली हैं।